हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजे कारियार में। गाइस, आज की जो वीडियो है आपको वीडियो टाइटल से पता लग गया होगा, आज हम बात करेंगे हुंडई की न्यूली लॉन्च कार अल्काज़ार के बारे में। हुंडई अल्काज़ार में आपको मेनली बेस्ट स्पेसिफिक फीचर्स क्या मिल जाते हैं। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आगे भी अल्काज़ार के बारे में आपको वीडियोज लाता रहूँगा जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसे ये गाड़ी लॉन्च हो जाती है, शोरूम में आ जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, हम फर्स्ट स्पेशल फीचर की बात करें तो हुंडई अल्काज़ार में आपको 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है, और इसी के साथ आपको इसमें इनबिल्ड नेविगेशन भी मिल जाती है। जैसे मान लो कि बिल्ड नेविगेशन का अपना ही फायदा है, मान लो अगर आप किसी रास्ते पे हैं और आपको मतलब कि उसके दो वे हैं जाने के, लाइक मान लो कि आपको किसी तरीके से ओवर ब्रिज होके जाना है या ब्रिज के नीचे से जाना है, तो वो आपको नेविगेशन में आपको शो करती रहेगी प्रॉपरली। अगर सेकंड फीचर की बात करें तो इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है वॉइस कमांड के साथ, जिसमें आप मतलब वॉइस कमांड के थ्रू पैनारोमिक सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। थर्ड फीचर की बात करें गैस, तो इसमें हमें ब्लूलिंक कनेक्टिविटी मिल जाती है विद कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, और इसमें हम गैस मतलब अपने इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं विथ मोबाइल ऐप, एंड इसके साथ साथ हम अपने एसी को प्री कूल कर सकते हैं, प्री हीट भी कर सकते हैं, एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो हो गया हमारा वो हम अपने ऐप के थ्रू मतलब देख सकते हैं। व्हीकल की जितनी भी स्टेटस है, व्हीकल की जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो हम अपने मोबाइल ऐप में ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। और गैस, जो ये अपना मेन फीचर है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वो भी आपको इसमें मिल जाता है कि या सेल्टोस की तरह। इसमें गैस अगर आप लेफ्ट को टर्न करते हैं तो जो आपको लेफ्ट साइड जो RVM है कैमरा का वो ऑन हो जाएगा, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको वो लेफ्ट साइड का व्यू दिखाएगा थोड़ा, जो भी आपके पीछे गाड़ी रहेगी। और वही गैस आपको राइट साइड में भी मिल जाता है, अगर आप राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं और राइट साइड टर्न करते हैं तो जो राइट साइड की तरफ जो RVM में जो कैमरा प्लेस है वो आपको राइट साइड की व्यू देगा आपके क्लस्टर पे। तो ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट फीचर है, फेबुलस फीचर है गाइज ये अपने आप में, जो कि एक टाइप से इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप अपने डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख सकते हैं। गाइज, जो बात करें फिफ्थ फीचर की, तो इसमें आपको मतलब कि एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, और गाइज इसमें आपको 64 कलर्स एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। लाइक जैसे आप क्रेटा में आपको वन कलर एम्बियंट लाइटिंग आती है, बट आपकी जो अल्काज़ार जो लॉन्च होगी उसमें आपको 64 कलर्स एम्बियंट लाइटिंग मिलेंगी, जो कि आपको डैशबोर्ड से लेके हर डोर पैनल्स में आपको मिलेंगी, और मतलब बैक में भी आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। तो 64 कलर्स ये एम्बियंट लाइटिंग आपको मिलेगी अल्काज़ार में, जो कि अपने आप में काफ़ी ग्रेट और काफ़ी प्रीमियम एक्सक्लूसिव फीचर है। एस जो आपका सिक्स फीचर है वो है बोस का साउंड सिस्टम, जिसमें आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, सब वूफर मिल जाते हैं, इंक्लूडेड एम्पलीफायर्स मिल जाते हैं, और इसकी साउंड क्वालिटी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती है बोस की। और सेवन्थ फीचर की बात करें तो सेवन्थ फीचर में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो कि आपकी क्रेटा से काफ़ी हद तक अलग है, बट i20 के जैसी आपको थोड़ी मिल जाती है। इसमें आपको कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा विथ फुल HD, इसमें ब्लाइंड स्पॉट का भी डिस्प्ले मिल जाता है आपको। और गैस, जो आपका 8th फीचर है वो आपको मिल जाता है लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, और ये जो आपको गैस डुअल टोन में आता है, मतलब जो इसकी सीट्स है आपको ब्राउन में, या डैशबोर्ड सीट्स एंड डैशबोर्ड्स आपको ब्राउन एंड ब्लैक डुअल टोन में आता है। 9th फीचर गैस, आपको इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग मिल जाती है, कि आपको रियर सीट पे भी मिल जाएगी वायरलेस फोन चार्जिंग, एंड फ्रंट में भी आपको वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फीचर की बात करें गैस, तो इसमें आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है विद AQI डिस्प्ले। AQI डिस्प्ले का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपके कैबिन में होता है, तो ये उसको शो करता है कि एयर क्वालिटी मतलब आपकी कैबिन की कैसी है, तो ये आपके एयर को प्यूरीफाई करता है, तो जिससे जो आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है कैबिन का वो आपका धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। वो मेन फीचर गैस आपको जो मिल जाता है फ्रंट रो में, बैक साइड आपको होल्डर मिल जाता है, जिसमें आपको रिट्रैक्टेड कप होल्डर भी मिल जाता है, और साथ ही इसमें आपको आईपैड और टैबलेट का होल्डर भी आ जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट एक टाइप का फीचर है ये जो इंट्रोड्यूस किया है हुंडई वालों ने अल्काज़ार में। 12th फीचर की बात करें तो इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपनी बोटल्स वगैरह या कैन वगैरह रख के उसे कूल कर सकते हैं गाड़ी में। इन फीचर इसमें आपको पडल लैम्प मिल जाएगा ORVM के नीचे, जिसमें आपको हुंडई की लोगो भी डिस्प्ले होगी, जो कि आपको अपने आप ही फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर मिलेगा विथ हुंडई लोगो। 14th फीचर की बात करें गैस, तो इसमें 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और 15th फीचर की बात करें गैस, तो 15th फीचर आपको फ्रंट रो में
सनवाइजर मिल जाते हैं जो कि स्लाइडिंग सनवाइजर है, और ये भी अपने आप में एक बेस्ट फीचर है। लाइक जैसे कि समर वगैरह में ये आपको ड्राइविंग साइड फ्रंट सीट में आपको प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं धूप की रोशनी आने से। फीचर इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक खास फीचर है वो आपको आता है, पावर ड्राइवर सीट आती है जो कि 8-way पावर ड्राइवर सीट है। और इसको पैसेंजर सीट्स में आपको पावर सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि आपको हेक्टर एंड हेक्टर प्लस में देखने को मिलता है। गाइस इसमें 17th जो फीचर है आपका उसमें स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है। 18th फीचर आपको गाइस इसमें ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं, ट्रैक्शन मोड्स आपको मिल जाते हैं। एंड 19th फीचर इसमें आपको ESP TCS मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको। एंड गाइस 20th फीचर की बात करें तो इसमें हमें वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक मिल जाता है और साइड स्टेपर मिल जाता है आपको। सो गाइस ये थे आपके कुछ बेस्ट फीचर्स जो कि आपको न्यू Hyundai Alcazar 2021 में मिल जाती है। और इसमें से काफ़ी फीचर्स गाइस हमारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस गाड़ी में। ये गाड़ी गाइस आपको दो इंजन सेगमेंट में मिल जाती है, एक आपका 2 लीटर MPI पेट्रोल एंड 1.5 लीटर CRDI डीजल। जो 2 लीटर MPI पेट्रोल है वो आपको इस सेगमेंट में और किसी कार में नहीं मिलती है, लाइक क्रेटा, सेल्टोस या हेक्टर में। और 1.5 लीटर जो CRDI डीजल है वो आपको क्रेटा में मिल जाता है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मतलब पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशन एंड डीजल इंजन के स्पेसिफिकेशन। पेट्रोल एंड डीजल दोनों गाइस आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाती है, इसमें DCT या IMT नहीं आता है। गाइस अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये आपको सिंगल टोन एंड डुअल टोन दोनों कलर ऑप्शंस में मिल जाता है। सिंगल टोन में इसमें 6 कलर्स आते हैं, जिसमें टाइगो ब्राउन, टाइफून सिल्वर, पोलर वाइट, टाइटन ग्रे, फैंटम ब्लैक एंड स्टेरी नाइट आ जाता है। एंड डुअल टोन की बात करें तो डुअल टोन में गाइस आपको पोलर वाइट प्लस फैंटम ब्लैक एंड टाइटन ग्रे प्लस फैंटम ब्लैक मिल जाता है। तो गाइस टोटल ये 8 कलर ऑप्शंस के साथ आ जाता है। एंड प्राइसिंग की बात करें गाइस तो प्राइसिंग इसकी अभी डिस्क्लोज है, जब ये 20 जून को लॉन्च होगी तो प्राइसिंग भी इसकी आ जाएगी। बट एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है गाइस कि इसकी प्राइसिंग अराउंड 13 लाख टू 22 लाख तक हो सकती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपको Alcazar के बारे में और भी काफ़ी कुछ जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार से। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।